सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये कोई गेमिंग वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है जो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। होपफुली थोड़ा अच्छा जाए। ये हम एक थंबनेल बनाएंगे, इसमें जो मेरे थंबनेल हैं उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये थंबनेल कैसे बनाते हो, या थंबनेल बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए कि मैं अपने थंबनेल्स कैसे बनाता हूँ। तो ये उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। गाइस, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमें सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट। तो इधर मैं अपनी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फोटो को मैंने फोटोशॉप में ड्रैग कर लिया है। उसके बाद मैं जाऊँगा मैजिक वॉन्ड टूल में। मैजिक वॉन्ड टूल में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा सब्जेक्ट सिलेक्ट पे। उसके बाद जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो रफली सिलेक्ट हो जाएगा। रफली सिलेक्ट करने के बाद देखो, ये जो इम्परफेक्शंस आ रही हैं इसमें, जो ये पूरी तरह एजेस सिलेक्ट नहीं हुई है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लासो टूल और ऑल्ट दबा के मैं जो एरिया मेरे को नहीं चाहिए उसको हटा दूंगा, और जो चाहिए वहां तक मैं ट्रेस कर लूंगा उसको। तो ये पूरी तरह होने के बाद सिलेक्ट मैं करूंगा कंट्रोल सी, फिर करूंगा कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट, और जो नीचे वाली फोटो है उसको मैं कर दूंगा डिलीट। अब जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरे पास उसकी पीएनजी आ चुकी है। तो गाइस, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो हमें है एक चाहिए बैकग्राउंड। तो मैं फटाफट से गूगल से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ कोई भी वैलोरेंट का। तो मैंने ये टाइप किया वैलोरेंट, और ये जो बैकग्राउंड है ये मेरे को सही लग रहा है। तो मैं फटाफट से इसे कॉपी एंड पेस्ट फोटोशॉप में। तो गाइज, बैकग्राउंड आने के बाद फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज एडजस्ट इट फुल्ली। तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके फटाफट से फुल्ली एडजस्ट कर देते हैं हमारे कैनवस पे। उसके बाद अभी जैसे ये एकदम रॉ सा लग रहा है, तो हम इसमें देंगे ग्रेडियंट ओवरले। तो मेरे दिमाग में एक पिंक थीम का थंबनेल कुछ बनाना, तो मैं एक पिंक कलर का ग्रेडियंट ओवरले सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसकी ओपेसिटी थोड़ी एडजस्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद इस बैकग्राउंड को प्लेन नहीं दिखाना है, तो मैं इस पर अप्लाई करूँगा एक फिल्टर जो कि है रेडियल ब्लर। तो ये देख, मैंने रेडियल ब्लर अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है, जो मेरा सब्जेक्ट लेयर है वो मैं इसके ऊपर ले आऊँगा। जो सब्जेक्ट वाली लेयर है इसको ऊपर ड्रैग करेंगे, तो ये सब्जेक्ट अब हमारा ऊपर आ चुका है इसके। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज गेट आवर कैरेक्टर लेयर। तो इस थंबनेल के लिए मैंने सोचा है हम रेना का यूज़ करेंगे। तो मैंने रेना के, मेरे पास कुछ मॉडल्स बना रखे हैं, और कुछ जो थे वो मैंने किसी पैक से लिए थे। तो उन्हीं में से एक मॉडल मैं ले लेता हूँ रेना का यहाँ पे, जो कि है ये प्राइम एक्स के साथ। तो इसके साथ कुछ बनाएंगे। अब मैंने इस मॉडल को भी ड्रैग कर लिया है। उसके बाद जो है मेरे को पोजिशनिंग चेंज करनी है इसकी, तो मैं इसको कर लेता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद इसकी हाइट और पोजीशनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, देन इट विल बी रेडी। सो गाइस, अभी हमें जो है एडजस्ट करनी है लाइटिंग। तो उसके लिए आई विल मेक अ क्लिपिंग मास्क लेयर ऑफ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट फॉर बोथ द सब्जेक्ट। तो अब जो है मैं दोनों सब्जेक्ट की लाइटिंग चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर आगे वर्क करूंगा। तो गाइज, अभी जो हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है वो दोनों ही काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क थीम में ले जाया जाए। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा एक न्यू लेयर, जो कि मैं डालूंगा अपने दोनों सब्जेक्ट्स के पीछे, और उसको सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करके उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्रश करूँगा, जिससे मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क थीम में चला जाएगा, और थोड़ा जो मेरा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पॉप आउट होकर दिखेगा। तो गाइज, अभी जो है अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें ऐड करना लाइटिंग और काफ़ी सारे हाइलाइट्स। तो सबसे पहले मैं एक वाइट कलर का वाइट टॉप एक ब्रश मारूंगा इसके ऊपर, जो मेरे पास ऑलरेडी प्रीमेड है। वो वाइट कलर का ब्रश मैंने इसमें ड्रैग कर लिया, मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, उसकी ओपेसिटी कम कर ली। उसके बाद मैं नीचे इसमें डालूंगा पिंक कलर की ब्रश लाइट्स विद पार्टिकल्स, जो ऑलरेडी मेरे पास वो भी प्रीमेड है। तो वो सब ऐड करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती है लाइटिंग, काफ़ी अच्छी लगती है इसके अंदर। तो ये आप खुद ही देखो कितना अलग से इफेक्ट आ रहा है इससे। सो गाइज, नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इज मेक हाइलाइट्स। तो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ हाइलाइट्स भी होनी चाहिए, पिंक कलर की थीम है तो पिंक कलर की हाइलाइट्स भी होंगे। तो मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा, उसको भी सॉफ्ट लाइट पे सेट करूंगा, और पिंक कलर के एक ब्रश सेलेक्ट करके उस पर हल्के हल्के से मैं हाइलाइट्स दूंगा, जो काफी अच्छे लगते हैं। तो अब ये मैंने इसके ऊपर हाइलाइट्स दे दिए हैं, काफ़ी जो अब सही लग रहा है ये।
तो गाइज अभी जो है मेरे को बैकग्राउंड कुछ प्लेन सा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ी डेप्थ डालने के लिए डालूंगा कुछ एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर्स एंड लाइंस। तो ये मेरे पास एक है एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा सॉफ्ट लाइट पे और इसको मैं डाल दूंगा इसके ऊपर। ओपेसिटी इसकी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो जहाँ पे ये मेरे को ठीक लग रहा है ये यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया इसको, और काफी अब सही लग रहा है इसका टेक्सचर मेरे को पीछे का। तो गाइज अब हम इसमें डालेंगे हमारा टेक्स्ट जो कि है बेसिक, एक हमें वैलोरेंट लिखना है। तो ये टेक्स्ट डाल के मैं इस पे वैलोरेंट लिख लेता हूँ। साइज मैंने इसका एडजस्ट कर लिया है और इसको इसकी पोजीशन मैंने दे दी है। तो अब जो है हमारा टेक्स्ट मतलब काफी फीका सा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा मजा डालने के लिए मैं इसको करूंगा कॉपी कंट्रोल जे से, और उसके बाद मैं इसमें एक स्ट्रोक डालूंगा 4 पिक्सल की। मैंने इसमें स्ट्रोक डाली और उसके बाद इसका जो फिल है वो मैं 0 कर दूंगा। तो जो स्ट्रोक वाली सिर्फ स्ट्रोक वाली लेयर है उसको मैं लेके आऊंगा नीचे, और उसके बाद उसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो हमारा जो एक अलग सी टाइपोग्राफी बन जाएगी, थोड़ा अच्छा सा लगता है वो इफेक्ट। उसके बाद जो मैं इन दोनों लेयर्स को, दोनों टेक्स्ट लेयर्स को एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और उसके ऊपर डाल दूंगा थोड़ा आउटर ग्लो थोड़ी और ज्यादा डेप्थ के लिए। तो अब जो है हमारा टेक्स्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज अब इस थंबनेल में थोड़ी सी और जान डालने के लिए मैं इसमें डालूंगा कुछ इफेक्ट्स लाइटनिंग के। तो मेरे पास ये एक पर्पल कलर की लाइटनिंग है जिसको मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा, और ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन पे सेट करके ओपेसिटी थोड़ी सी चेंज करके मैं कुछ जगह थंबनेल में कुछ कॉर्नर्स में इस लाइटनिंग को ऐड कर दूंगा, तो जो एक बहुत तगड़ा इफेक्ट देंगे इस थंबनेल को आप खुद देख ही सकते हो। तो गाइज अब हम करेंगे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि थंबनेल को एक बेस्ट थंबनेल बना सकता है। तो उसके लिए हम करेंगे सारी जो लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के कंट्रोल जी, उनका एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप की करेंगे कॉपी कंट्रोल जे से, और उसके बाद उसको एक ही इमेज में कन्वर्ट कर देंगे कंट्रोल ई करके, और फिर उस कंट्रोल ई वाली जो इमेज है उस पर हम अप्लाई करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर फिल्टर्स वाले सेक्शन में जाके। तो कैमरा रॉ फिल्टर में आप सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करो अपने हिसाब से जब तक वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट ना लगे, और फिर उसके बाद जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें हमारा मिल जाएगा बेस्ट लुक जो आएगा थंबनेल का। तो ये है कंपैरिजन जो थंबनेल पहले दिख रहा था और कैमरा रॉ और फिल्टर लगाने के बाद दिख रहा था। तो आप खुद देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो गाइज इतना ही था आज की वीडियो के लिए, जो हमने एक थंबनेल बनाया एक डिज़ाइन, और इसी तरह का देखो ये मैंने एक और डिज़ाइन बनाया था जेट का, जेट के साथ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।